आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू बैंगन की चटपटी और मसालेदार सब्जी, जो झटपट बनके तैयार हो जाएगी। आप एक बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे, और जिसे पसंद भी नहीं होगी आलू बैंगन की सब्जी, वो भी आपसे बोलेंगे आज फिर से बनाओ वही वाली आलू बैंगन की सब्जी। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं चटपटी और मसालेदार आलू बैंगन की सब्जी। आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। गाइस तेल गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे जीरा। और जब हमारा जीरा अच्छे से चटक जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे हींग और हरी मिर्च और इसे भूनेंगे। गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपीज की वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। देखिए गाइस यहाँ पे जो हमारी हरी मिर्च है ये अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, और टमाटर डालने के तुरंत बाद ही हम इसमें डाल देंगे नमक, ताकि हमारे जो टमाटर हैं ये अच्छे से गल जाए और जल्दी से पक जाए। देखिए गाइस कितने अच्छे से हमारे टमाटर पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आलू बैंगन जो हमने काट के रखा हुआ है। गाइस देखिए आपको इसी साइज में काटना है, और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। गाइस हमारी सब्जी जितने अच्छे से भुनती है उसका टेस्ट उतना ही दुगना आता है, तो यहाँ पे हम आलू बैंगन को बहुत अच्छे से भूनेंगे। गाइस अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम आलू बैंगन को ढक के 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए गाइस कितने अच्छे से हमारी सब्जी भुन चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। यहाँ पर मैं ले रही हूँ गर्म मसाला, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और मसाले को भी हम पकाएंगे ढक के 5 मिनट तक। देखिए गाइस कितने अच्छे से हमारी सब्जी का कलर आया है और मसाला भी अच्छे से पक चुका है। गाइस मैं यहाँ पर ग्रेवी वाली आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी, इसलिए मैं 2 कटोरी पानी का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए गाइस कितना अच्छा कलर आ रहा है सब्जी का। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए गाइस सब्जी कितनी अच्छी लग रही है और देखने में भी कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब हम आलू को देख लेंगे कि हमारे आलू जो हैं वो पके हैं या नहीं पके। देखिए गाइस हमारे आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। अब हम देखिए गाइस जैसे मैंने वीडियो में बताया है, हमें ऐसे ही 2-4 आलू हम इसे तोड़ देंगे, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाए। अब हम धनिया से सब्जी को गार्निश करेंगे। देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही है सब्जी देखने में। हमारी आलू बैंगन की सब्जी बनके हो गई है तैयार। गाइस आप भी ऐसे ही बनाइए और खाइए, और कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।